हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ साहिल। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपा। लास्ट टाइम आपा ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एजियोट्रोप एंड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोप एंड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब देखो, एजियोट्रोप का मतलब क्या होता है? देखो, एजियोट्रोप का मतलब है कि वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच इज बिहेविंग लाइक प्योर सॉल्वेंट। वो मिक्सचर जो प्योर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा एट ए सर्टेन कंपोजिशन ऑफ मिक्सिंग सब्सटेंस। मिक्सिंग सब्सटेंस की सर्टेन कंपोजिशन के ऊपर एक मिक्सचर जो है वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है, और इसको आप कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखो इसका मतलब क्या है। मान लो कि आपा ने इथेनॉल को और वाटर को मिक्स कर दिया, जब आपा ने इथेनॉल और वाटर को मिक्स किया तो अब मैंने इसको हीटिंग करना शुरू कर दिया। वी आर हीटिंग इट। जब आपा हीट कर रहे हैं तो देखो, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। भाई जो अल्कोहल है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे उड़ जाती है, और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लो कि आपा ने 50% इथेनॉल लिया और आपा ने 50% वाटर लिया, ठीक है, 50% इथेनॉल लिया, 50% वाटर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके इसको हीट करना शुरू कर दिया। जब आपा हीट कर रहे हैं, अब देखो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है किससे, वाटर से, तो उड़ेगा क्या, इथेनॉल जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस के अंदर इथेनॉल विल इवेपोरेट फर्स्ट एंड देन वाटर। तो क्या होगा कि पहले क्या उड़ेगा, इथेनॉल, और फिर क्या उड़ेगा, वाटर, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये पहले उड़ चुका होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप इस मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन कैन बी सेपरेटेड आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के इस कंपोजिशन के मिक्सचर को जो अलग अलग कर सकते हैं। भाई इथेनॉल पहले उड़ गया, नीचे क्या बचेगा, वाटर, तो मिक्सचर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। बट अगर मैं सेम मिक्सचर को, ठीक है, सेम मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो मैं ये रख देता हूँ, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ भाई 95.4% इथेनॉल सॉल्यूशन, मतलब 95.4% तो इथेनॉल है, बाकी बचेगा कितना, 4.6% ये क्या है, वाटर।
अब इस कंपोजिशन के ऊपर जब मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है, तो इस कंपोजिशन के ऊपर ये सॉल्यूशन को हीट करने पे ये सेपरेट नहीं होंगे, होगा क्या कि दोनों इकट्ठे ही वेपरेट हो रहे होंगे। मतलब क्या है कि जब आप इसको, अगर मान लो कि ये क्लोज है तो यहाँ पे वाटर प्लस इथेनॉल होगा और यहाँ पे वेपर होंगे, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल और वाटर का लिक्विड फेज में होगा वही मोल फ्रैक्शन किस में होगा, वेपर फेज में। इसका मतलब क्या है कि अब ये सेपरेट नहीं हो रहे, ये एक प्योर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और इकट्ठा उड़ रहा है, ठीक है। और इसका जो हमारे पास पॉइंट आता है इथेनॉल और वाटर का, जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आता है वो है 351.15 केल्विन। तो इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि बोथ इथेनॉल एंड वाटर विल इवेपोरेट साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ इवेपोरेट होंगे, मतलब क्या है कि बोथ वेपर फेज एंड लिक्विड फेज हैज सेम कंपोजिशन। दोनों जो फेज हैं इनकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसा जो अब ये दोनों इकट्ठे उड़ रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे इवेपरेट हो रहे हैं इस टेम्परेचर के ऊपर, अब ये पॉइंट बना कब है, एट ए सर्टेन कंपोजिशन, एट ए सर्टेन कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। एक मिक्सचर का ऐसा सर्टेन रेशो आएगा जिसके ऊपर लिक्विड फेज और वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन है वहाँ पे कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। तो मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का और इथेनॉल का। तो ऐसा कोई भी जो मिक्सचर होता है उसको आप एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं, और ये जो कंसेप्ट है इसको क्या कहते हैं, एजियोट्रोप। अब भाई कई बार पॉइंट ये आ जाता है कि क्या आप एजियोट्रोप को सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब दोनों एक साथ ही वेपरेट हो रहे हैं, इकट्ठे उड़ रहे हैं, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है ये आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के एजियोट्रोपिक मिक्सचर को जो है सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि इथेनॉल और वाटर का जो सॉल्यूशन है 95.4% पे तो सेपरेट नहीं हो सकता। अदर देन दैट, इससे अलग कंडीशन पे इसका एजियोट्रोप नहीं बनेगा और आप उसको सेपरेट कर सकते हो। पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर अदर देन 95.4% विल नॉट फॉर्म एजियोट्रोपिक एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इस कंसंट्रेशन से अलग अदर कंसंट्रेशन पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बनेगा एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। तो जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो बिल्कुल रिलेट होगी।
एक फिक्स कंसंट्रेशन पे जो मिक्सचर है वो एक प्योर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब अलग नहीं हो सकता, तो ये एजियोट्रॉप था भाई। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ एजियोट्रॉप। ठीक है, एजियोट्रॉप बनेंगे कैसे, अब देखो एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो भाई ये दो बनेंगे, पहला है अपने पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, फर्स्ट है केस, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि एजियोट्रॉप विद मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। एजियोट्रॉप विद मिनिमम, विद मैक्सिमम लिखो पहले, विद मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। वो मिक्सचर जिसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो, उस मिक्सचर को आप क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। And that mixture is called as minimum boiling azeotrope. अब आप सोच के देखो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन था जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आता था और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता था। हमने लास्ट टाइम आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन पढ़े थे, तो नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इस केस के अंदर क्या आ रहा था कि वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता था और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, मिनिमम। अब नॉन आइडल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं एट ए सर्टेन कंपोजिशन, एट ए सर्टेन कंपोजिशन विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे। हाँ, एग्जाम्पल कौन से होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो एक सर्टेन कंपोजिशन के ऊपर आपको क्या बना के दे देंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, अब देखो इस केस के अंदर आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आपने एग्जाम्पल पढ़ा था इथेनॉल एंड वाटर का, और मैंने कल आपको यह बताया था कि इथेनॉल प्लस वाटर जो है ये केस बनेगा किसका, पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया कि जो इथेनॉल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर डिग्री केल्विन में निकाल लें
तो 273 प्लस 80 तो ये आ जाएगा 353 केल्विन। तो जो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है वो 353 केल्विन है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में कन्वर्ट करें तो 373 केल्विन आ रहा है। अब इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई है कि जब आप इसका मिक्सचर बनाते हो और मिक्सचर की कंपोजिशन 95.4% है और परसेंटेज ध्यान रखनी है इथेनॉल 95.4% इथेनॉल है, तो इस टाइम पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351.15 केल्विन आता है। तो देखो हो क्या रहा है कि जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा इंक्रीज होगा, और ये इस कंपोजिशन पे ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, इन इसका जो मिक्सचर है ये नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, लेकिन जब आप इसकी कंसंट्रेशन को ये फिक्स कर देते हैं तो ये नॉन आइडल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन के साथ साथ क्या बन जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि आपसे कभी वो पूछ ले कि भाई मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल कौन से होंगे, तो जोन से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हैं एट ए सर्टेन कंपोजिशन और एट ए सर्टेन परसेंटेज। ठीक है भाई, अब देखो अब अपने पास एग्जांपल आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब वो क्या होता है, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब है मिक्सचर विच हैज मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। वो मिक्सचर जिसका वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसको अपन क्या कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब जब अपन ने नॉन आइडल का केस पढ़ा था तो नॉन आइडल में अपन ने ये पढ़ा था कि नॉन आइडल सॉल्यूशन नॉन आइडल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन एट ए सर्टेन कंपोजिशन एट ए सर्टेन कंपोजिशन विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, अब इसके केस के अंदर मान लो कि आप एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपा ने लिखा था एसिड प्लस वाटर, ये किसका एग्जांपल बनता है नेगेटिव डेविएशन का, ये मैंने आपको कल कराया था। अब इसके बाद आप अगर इसका एग्जांपल लिखें स्पेसिफिक, अगर मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊं तो देखो अगर मान लो कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड है HNO3 तो एट 68% HNO3 सोल्यूशन जो है ये बिहेव करेगा लाइक कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मतलब 68% HCl सोल्यूशन जो है वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बिहेव करेगा, मतलब इस परसेंटेज के ऊपर क्या बनेगा एजियोट्रोप, मतलब 68% HNO3 32% वाटर
ये जो मिक्सचर है ये बना के देगा एजियोट्रोप, ठीक है। अब ये क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो भाई ये हमारे पास एग्जांपल थे इसके, ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। और इससे कई बार क्वेश्चन बनता है ये एक नंबर का कि कौन सा किसका एग्जांपल होगा, तो नेगेटिव डेविएशन वाले सर्टेन कंपोजिशन के ऊपर क्या बना के देते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब जब कभी आप लैब में जाओ, कभी अगर प्रैक्टिकल करने लैब में जाओगे, तो आप देखोगे कि जो नाइट्रिक एसिड की बोतल है ना, नाइट्रिक एसिड की बोतल के ऊपर मैक्सिमम परसेंटेज यही लिखी हुई होती है। जब आप लैब में बड़ी फैक्ट्री में नाइट्रिक एसिड बनाते हैं ना, तो नाइट्रिक एसिड बनाते हुए आप क्या करते हैं कि जब पहले बनाते हुए आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर को जब आप निकाल रहे होते हैं, वाटर को बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से, तो जैसे ही कंसंट्रेशन 68% होगी, इसके बाद क्या होगा कि वाटर इकल्ला इवेपरेट नहीं होगा, दोनों के दोनों नाइट्रिक एसिड और वाटर जो हैं वो एक साथ इवेपरेट होंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका एग्जांपल है, एजियोट्रोप का, और इस कंसंट्रेशन के ऊपर। तो बच्चों यहाँ तक क्या होता है कि हमारा एक जो सर्टेन पोर्शन है, हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट और बचता है, इसके बाद फिर हमारा जो सेकंड पोर्शन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, हम वो स्टार्ट करेंगे। तो एक लास्ट टॉपिक रहता है, देखो हमने सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ लिया, हमने सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ लिया, नाउ वी आर मूविंग फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो आप जर्नली पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूँ अगर क्वेश्चन आ जाता है एक या दो नंबर का। तो Now we are taking a topic solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid। अब देखो solid plus liquid, जब आप solid को liquid में dissolve कराते हो तो इस process को आप क्या कहते हो, dissolution। आपके पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। और अब अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कराते हो, तो रिवर्स कराने पे अगर सॉलिड और लिक्विड सेपरेट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है यही कि सॉल्यूशन में से सॉलिड निकालने की जो प्रोसेस है, इसको आप क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, आपने घर में एग्जांपल देखा होगा, आप मान लो कि एक जग वाटर ले लिया आपने, एक जग पानी ले लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने शुगर को डिजोल्व करना शुरू कर दिया, मतलब आपने चीनी ली, इसमें घोलनी शुरू कर दी, ठीक है। अब आप क्या करो, पानी टेम्परेचर चेंज नहीं करना, गर्म नहीं करना इसको, मान लो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर आप शिकंजी बना रहे हैं भाई, ठीक है, आप बैठे हैं। तो अब आपने जग में वाटर लिया, चीनी डाल के उसको डिजोल्व कराना शुरू कर दिया, आप देखोगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, मतलब ऐसा आएगा कि नीचे लगेगा कि चीनी बच रही है अब और घुल ही नहीं रही। वो बची हुई चीनी कैसे घुल सकती है, या तो आप उसको हीट कर दो सॉल्यूशन को, या आप उसमें और पानी डालो और फिर उसको घुमाओ, आप देखोगे कि आप उसको कितना ही स्टर कर लो, अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, और ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी चीनी ज़्यादा पानी में डालोगे और नीचे बच जाएगी, आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर लो वाटर के अंदर, उसको डालो, आप देखोगे कि चीनी घुल ही नहीं रही उसके अंदर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा तो चीनी घुल सकती है, या क्या करना पड़ेगा, इसमें सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाता है, या सॉलिड डिजोल्व होना बंद हो जाता है, उसको आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हेन सॉलिड स्टॉप्स डिजोल्विंग, ये क्या बनता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
ये हमारे को लग रहा है कि चीनी घुलनी बंद होगी, लेकिन वो बंद नहीं हुई। हो क्या रहा है कि जितनी चीनी घुल के सॉल्यूशन बना रही है, उतनी ही चीनी सॉल्यूशन में से वापस क्या बना रही है, सॉलिड। इसको आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के केस के ऊपर आपके पास क्या आएगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कहाँ पे अटेन हो सकती है, एट द कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो मैंने आपको बताया कि जब वो लग रहा है आपको घुलनी बंद हो रही है तो वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन गया अपने पास। अब इसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को इफेक्ट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर। भाई अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आपने ना ये चीज का ध्यान रखना है कि रिएक्शन कौन सी है। मान लो कि जो सॉल्यूशन की प्रोसेस है, सॉलिड प्लस लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन प्लस हीट, अगर ये एग्जांपल है तो ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा है सॉलिड प्लस लिक्विड प्लस हीट और ये आपको सॉल्यूशन बना के दे रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का। और इस केस के अंदर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर एंडोथर्मिक है तो हीट को एब्जॉर्ब करके ही सॉल्यूशन बना रहा है, हीट दे रहे हो तो सॉल्यूशन बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये पॉइंट हमारे पास बन गया। इसके बाद देखो एक पॉइंट इसमें बचता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा। पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। जो लास्ट टाइम आपको पॉइंट लिखवाया था, आपको बिल्कुल उसी पॉइंट के बेस पे ही इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक अपना जो यूनिट है उसका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम अपना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे, विच इज़ पॉइंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ के रिवाइज करो। थैंक यू।